नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप मुझे देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मंगलवार को बिहार विधानसभा में काफी हंगामा हुआ और ये हंगामा सिर्फ सदन के भीतर ही नहीं बल्कि सदन के बाहर भी हुआ, जिसमें आप सब ने देखा कि विपक्ष के विधायकों का ये आरोप है, आरजेडी के विधायकों का ये आरोप है कि सुरक्षा बलों ने उनके साथ धक्का मुक्की की, उनके साथ मारपीट भी की। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो महिला विधायक थी उनके साथ भी बदसलूकी हुई है, जिसको लेकर के अब आरजेडी लगातार ये कह भी रही है कि बड़े रूप में हम प्रदर्शन करने वाले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ। लेकिन आपको पता है कि ये पूरा बवाल जो है वो किस लिए हुआ, इसके पीछे की वजह क्या थी? तो इसके पीछे की वजह थी एक विधेयक। इस विधेयक को लेकर के ही पूरा बवाल और बखेड़ा खड़ा हुआ है, जिसमें आरजेडी लगातार कह रही है कि इस विधेयक के पक्ष में हम कतई नहीं हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस कानून को काला कानून तक बता रही है। ये पूरा बवाल तभी से शुरू हुआ जब से इस विधेयक को लेकर के सरकार ने चर्चा करनी शुरू की और मन बनाना शुरू किया कि ऐसा कोई कानून बिहार राज्य में लाया जाए। तो जिस कानून को लेकर, जिस विधेयक को लेकर के ये हंगामा हुआ है, ये पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ है, उस विधेयक का नाम है विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक। इसको लेकर के ही आरजेडी लगातार ये कह रही है कि इस विधेयक के पक्ष में हम कतई नहीं हैं, ये काला कानून है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वहाँ तक आरजेडी के विधायक पहुँच गए थे, कॉपी तक फाड़ दी गई थी इस विधेयक की, और कहीं से भी वो राजी नहीं थे कि ये विधेयक पास किया जाए और ये कानून का रूप बिहार में ले। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन के भीतर खड़े हुए और इस कानून की जो अच्छाइयां हैं वो लोगों को बताना शुरू किया, गिनाना शुरू किया, उस दौरान से ही हूटिंग लगातार शुरू हो गई और आरजेडी के विधायक ये कह रहे थे कि हम इस कानून के पक्ष में नहीं हैं, इसलिए बिना हमारी मर्जी के सरकार ये कानून कैसे ला रही है। तो ये तो हुई उस बहस की बात, लेकिन उसके बाद ये बहस जो है वो पता भी नहीं चला कि कब जा कर के धक्का मुक्की और मारपीट में बदल गई। कहा यह जा रहा है आरजेडी के विधायकों की ओर से कि सुरक्षा बलों ने, जो मार्शल थे और जो पुलिस थी, सब ने मिलकर के विपक्ष के विधायकों को सदन के भीतर से जबरन घसीटते हुए बाहर लाया और फिर वहां पर धक्का मुक्की की गई है। लेकिन आप सबको ये भी जानना चाहिए कि आखिर इस विधेयक में ऐसा क्या है, इस कानून में ऐसा क्या है जिसको लेकर आरजेडी विपक्ष के विधायक जो हैं वो एतराज जता रहे हैं और इसे काला कानून बता रहे हैं। इस विधेयक में दरअसल इस हिसाब से जो चीज़ें हैं वो मेंशन है, जिसमें कहा जा रहा है कि जो राज्य की पुलिस है उसे कई तरह की शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी अगर ये विधेयक कानून की शक्ल बिहार में ले लेता है। तो कहा यह जाता है कि अगर पुलिस को किसी के ऊपर शक अगर होगा या फिर किसी के ऊपर, किसी भी अधिकारी के ऊपर कोई अपराध का आरोप लगता है तो बिना किसी इजाज़त के इस कानून के तहत उसके घर में जाकर के उसकी तलाशी ली जा सकती है, उससे पूछताछ की जा सकती है। ये कानून सरकार बिहार में लागू करना चाहती है, लेकिन आरजेडी नहीं चाहती है कि ये कानून बिहार में लागू हो। आप सबको पता है कि जब भी पुलिस को किसी के घर की तलाशी लेनी होती है या फिर किसी को हिरासत में लेना होता है तो सबसे पहले उसे एक वारंट की ज़रूरत पड़ती है, कानूनी प्रक्रिया है ये, और मजिस्ट्रेट की इजाज़त भी लेनी होती है। लेकिन अगर ये कानून बिहार में लागू हो जाएगा तो ना ही मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ेगी और ना ही वारंट की ज़रूरत पड़ेगी। शक के आधार पर, आरोप के आधार पर पुलिस उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई आगे की कर सकती है, उसकी छानबीन कर सकती है, उसकी तलाशी ले सकती है और उससे पूछताछ भी कर सकती है। और हाँ, इस पूरे मामले में जब ये कानून लागू हो जाएगा तो फिर कोर्ट भी संज्ञान नहीं ले सकता है। इस विधेयक के अंदर, इस कानून के अंदर ये शक्तियाँ राज्य की पुलिस को मिल जाती हैं अपने आप, अगर ये विधेयक कानून बन जाता है तो। बिहार में भी कुछ ऐसा ही करने का विचार सरकार की ओर से किया जा रहा था, लेकिन आरजेडी जो विपक्ष है वो कतई भी इस विधेयक को कानून की शक्ल में बिहार में लाते हुए नहीं देखना चाहती है। अभी आरजेडी ने ये कहा भी है कि आगे आने वाले समय में हम और विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं सरकार के खिलाफ, क्योंकि जिस तरीके से उनके विधायकों के साथ पुलिस मार्शल पेश आई है वो सब कुछ मुख्यमंत्री के इशारे पर हुआ है, ये आरोप विधायकों की ओर से लगाया जा रहा है। खैर, देखते हैं आने वाले दिनों में और कितना हंगामा और कितना बवाल होता है बिहार में। लेकिन हाँ, मंगलवार को जो कुछ भी हुआ है बिहार विधानसभा के भीतर और बाहर भी, जिस तरीके से विधायकों के साथ बदसलूकी की गई है वो कहीं से भी जायज़ नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए टीवी 9 भारतवर्ष।